हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में। इसे इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामचंद्र यादव, फिजियोथेरेपिस्ट। आपका हमारे इस चैनल सत्यप्रभा फिजियोथेरेपी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इंडिकेशंस बताए हैं कि ये स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस किसे करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि हम आज की एक्सरसाइज सीखें, मैं आपको सिंगल बॉल इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ये डिवाइस है जिसे एक डायग्नोस्टिक डिवाइस भी कहते हैं। ये हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को, यानी जो श्वास हम अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, उसको मेजर करने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें देखिए एक माउथ पीस होता है, ये माउथ पीस है और ये कनेक्ट होता है सिंगल बॉल स्पायरोमेट्री से। इसमें एक ऊपर फ्लो मीटर जिसे हम कहते हैं, ये देखिए आप देखेंगे तो ये फ्लो मीटर 200 से लेके 200, 300, 400, 500 ऐसे करके 1200 तक होता है। इसे इंस्पिरेशन फ्लो सेलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे स्पायरोमेट्री में एक मार्क बना हुआ है, तो हमें इसे कैसे यूज करना है इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये डिवाइस को कैसे यूज करना है। हमें ऐसे पकड़ना है और ये माउथ पीस को अपने मुंह में रखकर हमें हवा को अंदर खींचनी है, और जितनी देर तक खींच के होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करना है और धीरे से छोड़ देना है। राइट, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ऐसे मैं रिकमेंड करूंगा कि जो जिन लोगों का लंग्स वीक होता है या जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, वो सबसे पहले जो मार्क है यहाँ पे, ये मार्क आप देखिए, और यहाँ पे फ्लो मीटर को 200 पे सेट करना है, क्योंकि ये 200 पे आसानी से बॉल ऊपर जाता है। राइट, और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो पेशेंट के लिए तकलीफ होता है, नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, ग्रेजुअली बढ़ाना है। राइट, तो इसे कैसे 200 पे रखना है, फिर दो तीन दिन के बाद हमें 300 पे जाना है, फिर ऐसे करके ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते हमें लगभग 15 दिन एक महीने में हमें आगे तक बढ़ाते जाना है, ठीक है। मैं एक बार और करके आपको बताता हूं। हाँ, अभी मैं 500 पे सेट करता हूं और करके बताता हूं ये कैसे करना है। देखिए, इस तरह से जितनी देर तक होल्ड कर सके उस तरह से हमें होल्ड करना है, और बॉल को देखना है, क्योंकि इससे एक अच्छा फीडबैक मिलता है। और ये एक्सरसाइज करते समय हमें 10 से 15 रेपिटेशन ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे सांस पे हमारे लंग्स पे प्रेशर भी आता है। राइट, जब जब ये यूज करते हैं स्पायरोमेट्री, तो उसको यूज के बाद हमेशा माउथ पीस को अच्छी तरह से धो के रखना है, और हमेशा कोशिश करना है कि ये एक ही पर्सन यूज करे, ताकि किसी को इन्फेक्शन है तो वो दूसरे में स्प्रेड ना हो। राइट, तो हमेशा माउथ पीस को धो के रखना है, और फिर माउथ पीस यूज करने के पहले इसे वॉश कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि हाइजीन बनी रहे। जिन लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त कफ निकलता है, उन्हें कफ बाहर निकालना है, और दिन में 3 से 4 बार ये एक्सरसाइजेस करना है, 10 to 15 रेपिटेशन, 10 से 15 बार करना है। दोस्तों, अब कुछ इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस किसे करना चाहिए। नंबर वन, ये एक्सरसाइजेस सभी लोग कर सकते हैं, स्पेशली जिनको ऐसा लगता है कि हमारे फेफड़े की ताकत कम हो गई है, यानी लंग कैपेसिटी कम हो गई है, उन लोगों को एक्सरसाइज करना है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे अस्थमा के पेशेंट हो गए, सीओपीडी के पेशेंट हो गए, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। राइट, किसी भी वजह से अगर लंग कैपेसिटी कम हो जाए, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, हार्ट की सर्जरी हुई हो उसके बाद भी लंग्स कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छी तरह से अपने लंग्स के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है, फेफड़े की ताकत को बढ़ाने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां पे जो एयर में टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं वो बड़ी आसानी से उनके लंग्स में जाते हैं, जैसे कि कोई केमिकल फैक्ट्री हो गई, या फिर कोई रबर फैक्ट्री हो गई, या फिर रोड पे काम करने वाले लोग, तो जो टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं वो उनके लंग्स में आसानी से जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़े दिनों के बाद उनकी लंग कैपेसिटी, यानी उनके जो
लंग्स का फंक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो उसे इंक्रीज करने के लिए भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो लोग हैवी स्मोकर्स होते हैं उन्हें भी ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब मैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि किन लोगों को इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग जिन लोगों को ये बार बार समझाने के बाद भी अच्छी तरह से ये डिवाइस नहीं यूज कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को ब्रीदिंग करने में यानी जिनके ब्रीदिंग पैटर्न में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है उन लोगों को भी ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिनको सीवियर डिस्निया है या जिनको हिमोप्टाइसिस का तकलीफ है, हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है कि जिन लोगों को कफ में से ब्लड आ रहा है, उन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज करने से जिन लोगों को डिजीनेस होता है, नौजिया होता है, ओमिटिंग हो रहा है, चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा लग रहा है या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शिवरिंग हो रहा है, तो उन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का अनस्टेबल एंजाइना होता है, जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, उन लोगों को भी ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिनको जल्दी ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है या स्ट्रोक हुआ है उन्हें भी ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, ये एक्सरसाइजेस करने के समय आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में करें या अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में करें या इसे अच्छी तरह से सीख लें। ये एक्सरसाइज करने के समय अगर आपको किसी भी तरह से तकलीफ होती है तो इसे आप बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम आपको आसान और सरल एक्सरसाइजेस बताएं जो आसानी से आप परफॉर्म कर सकें। अगर ये वीडियो देख के आपको लगता है कि इस जानकारी को शेयर करने से किसी का भला होगा तो जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।